तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज मुझे लेटेस्ट और शानदार अपॉर्चुनिटी आपके यहाँ शेयर करने वाला हूँ गाइस। ये काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग होने वाली है गाइस। आज जिस कंपनी की डिटेल आपके यहाँ शेयर करने वाला हूँ, बेसिकली इस कंपनी का आपने नाम भी सुना होगा। बेसिकली इस कंपनी का नाम है टेक महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड। टेक महिंद्रा की बात करें, बेसिकली बीपीओ सेक्टर की एक टॉप मोस्ट कंपनी में से एक है गाइस। और करंटली इसमें जो ब्लेंडेड प्रोसेस के लिए हायरिंग चल रही है गाइस। ब्लेंडेड प्रोसेस की बात करें, जैसे चैट प्रोसेस हो गया, वॉइस प्रोसेस हो गया, इनबाउंड हो गया, आउटबाउंड हो गया, तो ये सारे ब्लेंडेड प्रोसेस में आता है, जिसमें करंटली हायरिंग कर रहा है टेक महिंद्रा काफी बल्क में। सो गाइस, मैं इसमें टोटली कवर करने वाला हूं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या आपको सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाती है, क्या आपको वीक ऑफ देखने को मिल जाती है। सो गाइस, अगर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है, सो बोथ कैंडिडेट आप जो है आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस। सो गाइस, टेक महिंद्रा की बात करें, अगर यहाँ पे आप सिलेक्शन लेते हैं तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाती है, और अगर यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस आप गेन लेते हैं तो आपको जो है काफी अच्छा एक ब्राइट करियर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो गाइस, करंटली अगर आप दिल्ली या नोएडा रिलोकेट हो गए हैं या सोच रहे हैं या करंटली रहते हैं या स्विच करना चाहते हैं जॉब, तो आप यहाँ अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर सकते हैं। सो गाइस, काफी ब्राइट करियर आपको देखने को मिल जाता है। सो गाइस, करंटली टेक महिंद्रा जिस ब्लेंडेड प्रोसेस के लिए हायरिंग कर रहा है, मैं आपको जो पूरी डिटेल यहाँ पे शेयर कर देता हूँ गाइस। सो गाइस, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया। तो जैसे आप उस लिंक को ओपन करेंगे, आपको डायरेक्टली शो होने वाला है कि टेक महिंद्रा इज हायरिंग फॉर ब्लेंडेड प्रोसेस वर्क फ्रॉम ऑफिस की अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और ग्रेजुएट फ्रेशर, अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है एज अ फ्रेशर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस। करंटली अगर आप जो है रिलोकेट हो गए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ आप जॉब की नीड है, तो आप जो है यहाँ पर ट्राई कीजिए, यहाँ पर आपको सिलेक्शन हो जाएगा। बट जब भी आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या टेक महिंद्रा में इंटरव्यू लेंगे, तो आप वेल प्रिपेयर होकर जाइए। जैसे कि अपना इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिकली कोई भी वो रैंडम टॉपिक आपको दे सकते हैं, जिस टॉपिक पर आपको जो है 2 मिनट तक बोलना पड़ेगा, या कोई भी आपका डेली रूटीन हो गया, यस्टरडे हो गया, लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, तो ये सारे जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं ये आपसे जो है पूछ सकते हैं। अगर आप जो है इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो एक शार्प माइंड, एक पॉजिटिव माइंड के साथ जाइए, डेफिनेटली आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि वी हैव बल्क वैकेंसी पोजिशन फॉर कस्टमर सेयर एग्जीक्यूटिव लुकिंग फॉर ग्रेजुएट फ्रेशर ओनली विद डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। जिसका कम्युनिकेशन अगर आपका एवरेज भी है, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के अकॉर्डिंग ये आपको जो है प्रोसेस प्रोवाइड कर देगी। और इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि अगर 0 to 2 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस है, तो वेल एंड गुड है, बाकी एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस। नंबर ऑफ वैकेंसी 100+ वैकेंसी है, तो काफी बल्क में हायरिंग चल रही है, तो आप एज सून एज पॉसिबल आप ट्राई कीजिए कि अपने यहाँ पर सिलेक्शन लेने की कोशिश कीजिए गाइस। और गाइस, इसमें सैलरी आप टोटली नेगोशिएट कर सकते हैं, यहाँ 2.5 लाख पर एनम आपकी जो सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस, आपके स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके एक्सपीरियंस पे गाइस। सो गाइस, अगर आप जा रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करके ले जाइए, रिज्यूमे हो गया और एक आईडी, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, और बेसिकली इंटरव्यू के टाइम पे तो आपको जो है एक रिज्यूमे ले जाना है, और बेसिकली एक आइडेंटिफाई प्रूफ जो भी गवर्नमेंट से सर्टिफाइड हो, तो ये 2 चीज आपको ले जानी है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन बाद में होने वाले हैं गाइस। और गाइस, इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि जॉब डिस्क्रिप्शन, टेक महिंद्रा इज हायरिंग फॉर कंप्लीट वर्क फ्रॉम ऑफिस कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव फॉर ब्लेंडेड प्रोसेस। और बेसिकली जो आपका इंटरेक्शन होने वाला है, वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ होने वाला है, कोई भी इशू है ऑन कॉल आपको कस्टमर को बेसिकली रिजोल्यूशन देना है गाइस। सो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वॉइस प्रोसेस में कंफर्टेबल हैं, इंटरेक्ट करना आपको अच्छा लगता है रैंडम पीपल से, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अगर आपको इंटरेस्ट भी है नए नए लोगों से बात करना, और अगर अपना अपना कॉन्फिडेंट, अपना स्किल्स जो इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप बीपीओ सेक्टर में जाइए, डेफिनेटली आपको जो है मिनिमम टाइम पे एक लॉन्ग टर्म तक आपको जो है एक एक्सपीरियंस और एक जो है सर्टेन आपको जो है एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट मिलने वाली है गाइस। यहाँ पे बेसिकली आपके स्किल्स ही इंप्रूव होने वाले हैं गाइस। इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि हैव योर रिजॉल्व कस्टमर करीज ऑन कॉल, बेसिकली ऑन कॉल आपको रिजोल्यूशन देना है, ईमेल और चैट एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। अगर कोई ईमेल, मेल के थ्रू भी आपको कस्टमर का इशू रिजॉल्व करना होगा, वॉइस के थ्रू भी आपको इशू रिजॉल्व करना होगा, टोटली डिपेंड करता है आपको प्रोसेस कौन सा दिया जा रहा है। वी हैव बल्क वैकेंसी, काफी बल्क में इसमें हायरिंग चल रही है गाइस। तो गाइस, मैं रिकमेंड करूंगा आप एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर लीजिए। वर्क फ्रॉम ऑफिस की जॉब रहने वाली है, जॉब लोकेशन आपकी नोएडा होने वाली है। काइंडली कम्स वॉक इन ड्राइव, वेन्यू का एड्रेस ऑलरेडी मेंशन है, A8 टेक महिंद्रा 7th फ्लोर नॉलेज बॉलवर्ड सेक्टर 62 नोएडा होने वाला है। नोएडा सिटी सेंटर का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होने वाला है। और गाइस, इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटीज के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होने वाला। इंटरव्यू टाइमिंग की बात करें, इसमें 10:30 से 4 PM तक आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, डायरेक्टली वॉकिंग इंटरव्यू के लिए। तो गाइस, मैं रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली आप, क्योंकि बीपीओ सेक्टर है, बीपीओ सेक्टर में आप एनी टाइम जाएंगे तो यहाँ पर वैकेंसी चलते रहती है गाइस। अगर आप कंफ्यूज हैं, आप काफी बार रिजेक्ट हो गए, तो डेफिनेटली आप यहाँ ट्राई कीजिए,
यहाँ पे आपको जस्ट सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा गाइस। गाइस इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि काइंडली मेंशन रेफरेंस, सिमरन चौधरी जी का आप रेफरेंस मेंशन कर सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, आप जो है कुछ इशू है मन में या अपना अपना जो है इंटरव्यू आप शेड्यूल कराना चाहते हैं तो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मेंशन है 8448770097 पर डायरेक्ट इनको व्हाट्सएप पर आप डीएम कर लीजिए एज सून एज पॉसिबल। गाइस मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आप इनको डीएम कीजिए, जो भी इशू है अपना रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे एचआर से, अपना इंटरव्यू नहीं देंगे, तब तक आपका एक माइंड शार्प नहीं होगा। तो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली आप जो है सारा क्राइटेरिया खुद ब खुद ऑब्जर्व कीजिए, पढ़िए, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, तो डेफिनेटली आप जो सारा क्राइटेरिया पढ़ के तब डायरेक्टली आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और गाइस वेल प्रिपेयर होकर जाइए, एक ड्रेसिंग सेंस आपका होना चाहिए, एक बोलने का तरीका होना चाहिए, नर्वस होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है गाइस, जो भी होगा वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन अपना एक बेस्ट 100% आप देके आइए। जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे कहीं पर भी, तब तक आपको उसका रिजल्ट ब्राइट नहीं दिखेगा। तो कोई भी आप वर्क कर रहे हैं अभी करेंटली, कोई भी वर्क कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपना वहां पे 100% दीजिए। छोटा व छोटा वर्क हो, बड़ा से बड़ा हो, आप उस 100% देंगे तभी आपको जो है वो वैल्यू आपको निकाल के देगा। सो गाइस फिर भी कोई इशू आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, मैं आपकी जो है पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच।